देखो मोटी लाल मिर्च की अचार कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी बनी है, देखने में इतना खूबसूरत लग रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ मोटी लाल मिर्च की अचार। ये हमारा 1 किलो मोटी वाली मिर्च है, इसी का मैं अचार बनाऊंगी। अब मैं बनाने के लिए मसाला तैयार करती हूँ। मैं फ्राईदानी चढ़ा दी हूँ, गैस नहीं जलाई हूँ। अभी इसमें मैं सारा मसाला साबुत डालूंगी। ये जीरा मैं 5 चम्मच डालती हूँ। ये धनिया मैं 5 चम्मच डालती हूँ, साबुत धनिया है। ये सौंफ है अचार वाली, ये 8 चम्मच डालूंगी। ये मेथी है साबुत, ये भी 2 चम्मच डालूंगी। अब ये पांचों चीज के मैं हल्का गैस में भूंजूंगी। तो अब मैं गैस जलाती हूँ। इसी प्रकार मैं धीमी गैस में भूंजूंगी। देखो ये सारा भूंज गई है, ये चटकने की आवाज आ रही है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं भूंजूंगी। अब इसको मैं निकालूंगी दूसरे बर्तन में। देखो मैं निकाल ली हूं। फिर से मैं फराइदानी चढ़ा दी हूँ। इसमें मैं 10 चम्मच सरसों डालूंगी। ये काला और पीला दोनों मिक्स है। गैस मेरा धीमी है। अब ये सरसों के भी मैं थोड़ी सा भूनूंगी। देखो ये मेरा सरसों भी भून गई है, चटकने की आवाज आ गई है। अब इसको भी मैं दूसरे बर्तन में डालूंगी। अब देखो फिर से वही फ्राईदानी चढ़ा दी हूँ, गैस मेरा धीमी है। अब इसी में 2 चम्मच कलौंजी डाल रही हूँ। इसको मैं पीसूंगी नहीं, इसको भी मैं थोड़ी सा भूंजूंगी और इसको अलग बर्तन में निकालूंगी। देखो मेरा कलौंजी भी हो गई है, अब मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। फिर से फ्राईदानी चढ़ा दी हूँ, गैस मेरा धीमी है। इसमें काली मिर्च 1 चम्मच डालूंगी। इसको भी मैं थोड़ी सा भूंजूंगी। देखो मेरा एक काली मिर्च भी भूंज गई है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये सौंफ धनिया जो है उसी में ये डाल देती हूँ। देखो फिर से मैं फ्राईदानी चढ़ा दी हूँ, गैस मेरा भी धीमी है। अब इसमें मैं 1.5 कटोरी तेल गरम करूंगी। ये सरसों की तेल है। अब ये तेल गरम होगी, धुआं एकदम ज्यादा धुआं निकलेगी, तब मैं ये गैस को बंद करूंगी। जब तक ये धुआं निकलेगी तब तक मैं ये जो मसाला है ये मिक्सी में पीस के ले आती हूँ दरदरा।
अब मैं इसको पीस के ले आती हूँ दरदरा। ये सरसों जो है इसको भी मैं दरदरा पीसूंगी, सिर्फ कलौंजी मैं नहीं पीसूंगी। देखो दोनों मसाला के मैं दरदरा पीस के ले आई हूँ। इसमें सरसों है और इसमें जो सारा मसाला था वो है, ये सरसों भी मैं इसी में डाल दूंगी। अब ये कलौंजी जो है ये साबुत मैं इसमें डालूंगी। अब इसमें मैं सादा नमक डाल रही हूँ, दो चम्मच, दो चम्मच एक काला नमक डाल रही हूँ। ये आधा चम्मच हींग है ये डालती हूँ, दो चम्मच ये हल्दी पाउडर है। देखो अब मैं तेल के पास आ गई हूँ, तेल अभी मेरा गरम नहीं हुआ है। देखो तेल गरम हो गई है, धुआं फेंक रही है। अब मैं गैस को बंद करती हूँ। जब तक ये तेल ठंडा होगी तब तक मैं इधर मसाला तैयारी कर लेती हूँ। अब ये मसाला जो है इसको थोड़ा मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। देखो अच्छे से मैं मिला दी हूँ। अब इसमें अब डालूंगी ये सिरका, ये आम चूरम की पाउडर है तो दो चम्मच ये भी डालूंगी। इसको भी अच्छे से मिला देती हूँ। अब ये जो सिरका है ये सिरका से ही मैं इसको मिलाऊंगी अच्छे से। देखो मैं अच्छे से मिला दी हूँ। आधी कटोरी में सिरका ली थी उसमें थोड़ी सी बच गई है। अब इसमें जो मैं गरम तेल करी हूँ सरसों की, इसमें थोड़ी सी सरसों के तेल डालूंगी। देखो ये जो गरम वाला तेल है यही मैं इसमें थोड़ी सा डालूंगी। फिर मैं ये चूल्हे पर ही रख देती हूँ। अब इसको अच्छे से मैं मिलाऊंगी। देखो ये मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसमें एक चीज और पड़ेगी, वो लास्ट में पड़ेगी। ये मिर्ची के मैं जो काटूंगी और बीज जो निकालूंगी वो बीज भी मैं इसी में डालूंगी। अब देखो मैं एक चाकू ली हूँ और एक मिर्ची ली हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से काट दूंगी। अब इसको इस तरीका से इसका बीज निकाल दूंगी। ये पूरा खोखा हो गया है। अब जो बीज है वो थोड़ा सा झाड़ लूंगी इस तरीका से। इसी तरीके से मैं सारे मिर्ची को करूंगी। पहले ऊपर से थोड़ी सा काट लूंगी, फिर इधर ऐसे छोड़ा दूंगी, ये बीज निकाल दूंगी। इसी तरीके से मैं सारे को बीज निकाल दूंगी। या देखो मैं सारा निकाल दी हूं। ये बीज जो है यही जार में मैं डाल लेती हूँ और इसको भी थोड़ा सा दरदरा पीसूंगी। अब इसको भी मैं दरदरा पीस के ले आती हूँ।
देखो मैं पीस के ले आई हूँ, अब इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। देखो मैं सारा बीज को डाल दी हूँ, अब इसको अच्छे से मिला दूंगी। देखो खूब अच्छे से मैं मिला दी हूँ, अब इसको मिर्ची में भरूंगी मसाला को। तो एक मिर्ची ऐसे उठाऊंगी और इसमें मैं डालते जाऊंगी, अंगुली से अंदर करते जाऊंगी। ऐसे हमारी अंगुली पतली है, चली जाती है। आप लोग कोई डंटी से या जो सूटर बिनने की आती है सलाह, उससे भी ऐसे कर सकते हो। ये इतना मसाला भरूंगी कि ये टाइट हो जाएगी। इसको मैं रख दी हूँ, दूसरा भर के फिर दिखा देती हूँ। फिर इसमें मैं डालूंगी, ये मिर्ची का अचार इतनी सुंदर लगती है। अभी सीजन है, मिल रही है, फिर सर्दी के बाद तो ये मिर्ची मिलती नहीं, और एक बार बना लो सालों की छुट्टी हो जाती है। बस इसी प्रकार मैं सारे मिर्ची को भरूंगी। देखो मैं सारा भर दी हूं, अब मैं इसी में जो गरम करके तेल रखी हूं वो तेल डालूंगी। देखो मोटी लाल मिर्च की अचार कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी बनी है, देखने में इतना खूबसूरत लग रही है, मैं आपको क्या बताऊं। ये आपको मैं दिखाने के लिए प्लेट में तेल डाली हूँ, अब मैं इसको आपको दिखा के इसको डिब्बे में भर दूंगी। ये अचार एक साल तक बिल्कुल खराब नहीं होगी, जिस तरीके से मैं बनाई हूँ उस तरीके से आप एक बार बना के देखना, पूरे एक साल से ऊपर यह अचार चलेगी। अगर आपको मोटी लाल मिर्च की अचार अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के शेयर करने के लिए नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना।